से बात करना चाहता हूं जो जिनका रिजल्ट अभी 12वीं क्लास का आया है सीबीएसई का और वो उसमें फेल हो गए हैं। इसी तरीके से मैं उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूं जो अभी 10वीं का रिजल्ट आएगा और संभवतः हो सकता है कि वो उनमें से कुछ बच्चे फेल हो जाएं। मेरा कहना यह है कि 2017-18 के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर 12वीं क्लास में 10,556 बच्चे फेल हो गए थे और दिल्ली सरकार ने 2018-19 में सिर्फ 9% बच्चों को ही री एडमिशन दिया, मतलब 91% बच्चों को री एडमिशन नहीं दिया। इसी तरीके से जो 10वीं के बच्चे थे वो 42,503 17-18 के जो सेशन था उसमें फेल हुए थे और उन्होंने 2018-19 के अंदर दिल्ली सरकार के स्कूलों ने सिर्फ 9% बच्चों को एडमिशन दिया, इसका मतलब 91% बच्चों को री एडमिशन नहीं दिया। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो बच्चों का री एडमिशन का जो है वो एक लीगल राइट है, हमारे दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के जो रूल्स हैं उनका रूल 138 है जो क्लियरली कहता है कि किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन से कोई बच्चा जो है वो अगर फेल हुआ है तो वही स्कूल उसको उस एकेडमिक ईयर के अंदर जो है वो री एडमिशन देगा। तो मेरा ये कहना है, एक तो ये कहना है कि कोई भी बच्चे जो फेल हो जाए या फेल हो गए हैं वो कृपा करके स्कूल को ना छोड़ें, क्योंकि अगर वो स्कूल को छोड़ेंगे तो वो किसी या तो घटिया सिस्टम में चले जाएंगे एजुकेशन के या एजुकेशन के सिस्टम से टोटली बाहर हो जाएंगे, तो वो उनका एक तरीके से कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। और दिल्ली सरकार के स्कूलों की ये कोशिश रहती है, जैसे हमने देखा है कि जो बच्चे भी फेल हो जाएं वो उन बच्चों को वो इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि उनको स्कूल के मेन सिस्टम से बाहर कर देते हैं। तो इस बात का पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर कोई स्कूल आपको री एडमिशन के लिए मना करता है तो प्लीज मेरे से संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9831010923। मैं रिपीट कर देता हूं, 9831010923।